हेलो फ्रेंड्स, रोजा रोज कुजी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पपाया जूस। इसके लिए मैंने आधा किलो पपाया ले लिया है और एक अनार दाना, पूरा साबुत अनार है उसका मैंने दाना सीड निकाल लिए हैं। लेमन चाहिए, ब्लैक सॉल्ट, शुगर और इसका जो सीड है देखिए इसको मैंने फेंका नहीं है, अच्छा से क्लीन कर लिया है। अब मैं इसको धूप में 4-5 दिन तक छोड़ दूंगी, फिर इसको मैं पाउडर बना लूंगी। इसका पाउडर कोई भी वेजिटेबल्स में आप दीजिएगा तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको आप लोग फेंकेंगे। अब मैं इसको क्यूब करके काट कर और इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी, पेस्ट कर लूँगी। इसको मैंने ऑलरेडी काट लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी देके और शुगर सॉल्ट देके ग्राइंड करके फिर दिखाती हूँ। अब मैं इसका अच्छा से पेस्ट प्यूरी बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखा दूँगी। एक बार मैंने इसको घुमा लिया है। अब मैं इसमें अनार दाना डाल दूँगी और इसको मैं अच्छा से 2-3 बार घुमा लूँगी। अब देखिए थिक पेस्ट ये बन चुकी है। अब इसको मैं एक बिग छन्नी से छान लूँगी पहले, इस तरीके से इसको अच्छा से छान लेना है। इसमें जो भी अनार का सीड्स है वो सब निकल जाएगी, नहीं तो फिर वो मुँह में आ जाते, बच्चे पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। इस तरीके से मैं देखिए कितना सारे सीड्स निकल के आए हैं। अगर आप चाहे सीड पसंद करते हैं खाना तो फिर ऐसा छानने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला दूंगी क्योंकि बहुत थिक है, और आप अगर इसमें ब्लैक सॉल्ट और देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। इसको मैं अच्छा सा मिला दूंगी और लेमन फ्यू ड्रॉप्स करके मैं लेमन जूस दे दूंगी। खूब अच्छा से इसको मिला दीजिएगा। शुगर और पसंद करते हैं तो और डाल दीजिएगा, और आइस क्यूब अगर देना चाहते हो इसी टाइम दे दीजिएगा, लेकिन मैं आइस क्यूब और कोल्ड वाटर बिल्कुल नहीं दूंगी, ये नॉर्मल वाटर मैंने डाला इसमें। पपाया का टेस्टी जूस रेडी है। इसी तरीके से आप लोग बनाइए, सर्व करें और इन्जॉय करें पीकर। ये जूस अगर आप लोगों को पसंद आए तो घर में ज़रूर बनाइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।